ये जो थंबनेल पे आपने पिक्चर देखी है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 2 से 3 महीने के अंदर का ये जो शिशु है ये इतना बड़ा वो हो सकता है या फिर ये एक फेक फोटो है। मुझे नहीं पता फेक है या रियलिटी है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर के साथ ये सच्ची घटना हुई है। उनके साथ रियल मायने में ये चीज़ें हुई हैं, कुछ उसी तरह की मिलती जुलती तस्वीरें। आ वो तो तस्वीर खींचेंगे नहीं, ना वो खींची है ना वो उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन उनके साथ हूबहू यही सारी चीज़ें हुई हैं। अब हुई तो हुई कैसे है, पूरी सच्चाई जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरे सब्सक्राइबर को उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड का ध्यान में नहीं था और वो 2 या 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी प्रेगनेंसी आ गई है, क्योंकि वो अपने घर के कामों में बच्चों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि वो उन्होंने अपने मेंस्ट्रुएशन ट्रैक को नहीं समझा और उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। फिर अचानक से वो अपने बाथरूम में देखती हैं कि ये बाथरूम करते वक्त, टॉयलेट करते वक्त उनके बॉडी के पार्ट से ये रिलीज़ हो गया। तो ये सच्ची घटना है, ऐसा होता है, लेकिन सवाल मन में वही आता है कि क्या 2 से 3 महीने का बच्चा इतना बड़ा हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है। 2 या 3 महीने का बच्चा कहने के लिए 2-3 महीने का होता है, लेकिन अगर वीक वाइज आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 8 से ये कम से कम 12 हफ्ते का ये प्रेगनेंसी है। और 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, भले वो टाइनी से हैं, छोटे से हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन सारे ज़रूरी अंग बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है जब आपको गुड न्यूज़ मिलती है, उस वक्त ऑलरेडी 4 हफ्ते हुए रहते हैं। 4 हफ्ते के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपको पता है ये बात अच्छे से। उस समय आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है और 5वें हफ्ते से बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है। तो 5वें हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट आती है, यानी कि हार्ट बनने का काम उसी समय से शुरू हो गया। और ये अगला जो 2-3 हफ्ता है, और इनफैक्ट मैं आगे के यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ये जो 3 महीने होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस समय सारे अंग बन जाते हैं, बच्चे की ये जो पूरी शेप है वो बन जाती है। और रियल मायने में बहुत सारी लेडीज़ को उनके अनअवेयरनेस के कारण उनको पता नहीं चला था कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी, और ये घटना उनकी एक मिसकैरेज की घटना उनके सामने आई है। ड्यूटी बहुत सारे रीज़न होंगे उसकी, उनके मिसकैरेज के, तो मिसकैरेज के कारण के ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगी कि मिसकैरेज के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो जाने अनजाने अगर उनको वो सारी गलतियाँ हुई होंगी, इस वजह से उनका बेबी ये आउट हो गया। उनको नहीं पता चला, जब वो आउट हुआ वो बहुत ज़्यादा चौंकी होंगी, इमेजिन करने वाली बात है, तो ये कितना ज़्यादा शॉकिंग लगा होगा। तो डेफिनेटली ये 2 से 3 महीने की बच्ची पूरे शेप में आ जाते हैं, और ये कंप्लीट ये सच बात है। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर की जो ग्रोथ होती है उनमें और ज़्यादा ग्रोथ होती है, जैसे हाथों के नाखून बनना शुरू हो जाते हैं, आँखों की पुतलियाँ शुरू हो जाती हैं, कुछ वाइटल जितने भी अंग हैं वो पहले 3 महीने में बनते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे के बॉडी के फैट कंटेंट बनते हैं। और अगर किसी बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है वो कैसा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी वेट होती ही नहीं है, क्योंकि अंतिम जो 7 से 9वां महीना होता है उस समय आपके बच्चे की फैट कंटेंट बढ़ रही होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल भी खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, ये वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, आई बटन पर आ जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पर, कि उल्टी आ रही है तो मैं कैसे हैंडल करूँ, खाया पिया नहीं जाता है। आप इमेजिन करिए दोस्तों कि 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे की सारे अंग बन रहे हैं, तो इस समय बिल्कुल भी खाना को स्किप नहीं करना है। आपको वॉमिटिंग आए, आपको खाने की इच्छा नहीं करे, आप उसके उपाय निकालो। मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं उस वीडियो में, ध्यान से वीडियो को सुनिए और उपायों को फॉलो करिए, लेकिन खाना स्किप मत करिए। बड़े बूढ़े, आपकी दादी नानी सासू माँ माँ आपको सब समझाते समझाते थक गए। क्यों लोग बोलते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी अंग बन रहे हैं। तो आपको खाना पीना स्किप नहीं करना है, और आप, सच्चाई आपके सामने है, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर आपको अपने मेंस्ट्रुएशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जाने अनजाने किसी बच्चे की जान नहीं जाए, क्योंकि अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपने प्रेगनेंसी कैरी की हुई है, तो आप प्रेगनेंसी का केयर के लिए एक्स्ट्रा अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो उसके लिए भी आप पहले से प्रोटेक्शन यूज़ करिएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं रिपीटेड ना हो, किसी के भी साथ ना हो, इसलिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाइए पीजिए, अपने मेंस्ट्रुएशन डेट को चेक करिए, अपने ओवुलेशन को चेक करिए, ओवुलेशन के सिम्टम आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो है, आप चैनल पे जाइए तो सही, बहुत सारे वीडियोस देखिए और अपने शरीर को मॉनिटर करिए। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।
और बने रहिए इस वीडियो को, देख लीजिए उल्टी आए तो फिर क्या करना है और कैसे करना है ताकि आपका खाना स्किप ना हो। थैंक यू।